हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन की मार्केट की नियत और क्या रहेंगे वहां पर इम्पोर्टेंट लेवल। स्पेशली मंडे के दिन होने वाली है छुट्टी, तो वहां पर ही हमें कल के दिन तीन तीन एक्सपायरी देखने को मिलेंगी। एक होगी बैंकेक्स की, दूसरी होगी मिड कैप निफ्टी और तीसरी जो हमारी फ्राइडे को होती है यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वहां पर अगर हम हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हीरो जीरो में हमारी ज्यादातर पेमेंट जीरो ही हो जाती है। तो अपना रिस्क उतना ही लीजिएगा जितने का आप कैपेबल हो, अदरवाइज मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग को ही प्रेफर नहीं करता हूँ, तो हीरो जीरो ट्रेड का भी सवाल पैदा नहीं होता। बट फिर भी क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, उनको स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ ना ही कल किसी आईपीओ की क्लोजिंग है और ना ही लिस्टिंग है, तो वहां पर हमारे पास डिस्कस करने को है नहीं है। बट अगर हम आज के दिन का FIA और DI डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर DI ने 550 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर FIA ने 3030 करोड़ की सेलिंग करी है। दोनों की तरफ से हमें सेलिंग का फिगर देखने को मिला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात कर लेते हैं तो हमारी कल के दिन बात हुई थी 23,400 से 443 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। मार्केट खुलती है अब एक बहुत बड़ा गैप अप, क्योंकि हमने कहा स्पेशली डिस्कस किया था कि मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा कमेंट्री पर फेड की। तो वहीं पर ही हमें एक गैप अप देखने को मिला, बट वो सस्टेन नहीं हुआ और सीधा तोड़कर आ चुका था। और हमारी यहाँ पर एंट्री हुई पुट में, और जहाँ से हमें एक मूव, सेकेंड मूव और थर्ड मूव तीन एंट्रीज देखने को मिली, बट कहीं पर भी हमारे पास बड़ा टारगेट नहीं था। बिकॉज मैंने कहा था कि अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देख लीजिएगा और वहां पर दोनों साइड पर 23,400 के पास हमें वहां पर कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे थे कि ना ही मार्केट ऊपर जाने वाला था ना ही नीचे जाने वाला था, तो हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते और वो पूरा का पूरा होता है ऑप्शन सेलिंग का मार्केट। तो ऐसे में हमें ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा एवॉइड करना पड़ता है। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास सेम ही लेवल रहने वाले हैं, ज्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करने को है नहीं है। 23,300 के नीचे हमें एक नीचे की साइड की मूव मिलेगी, 23,200 तक के लेवल खुलेंगे और 23,200 के नीचे हमारे पास 21,900 तक के लेवल वहां पर देखने को मिल सकते हैं। बट अगर किसी भी लेवल के नीचे जाते हैं तो वहां पर एटलीस्ट टू एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन करना जरूरी है। ऊपर की साइड बात करते हैं तो 21,400 से हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और 21,400 से 440 के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है जहां पर मार्केट खड़ी है। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी सिनेरियो में। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी अगर मुझे कोई हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ हमने जहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दिया, हमने सिर्फ जहाँ पर मार्केट को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टडी करने की कोशिश करी है। बट कैसी रहेगी वीकली बेसिस पर, क्या ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, उसे हम हमारी मंडे वाली वीडियो में स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और सभी IPOs की रिव्यू वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी जो भी 19 तारीख को ओपन होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।